नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, जस्ट लाइक साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक टू पीक वैल्यू, एज वेल एज एवरेज वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड फेज। नाउ आज हम बात करेंगे इन्हीं डेफिनेशन में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म के, दैट इज फेज डिफरेंस। सो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है दैट इज फेज डिफरेंस। सो पहले हम बात कर लें फेज की, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, मे बी आपको याद होगा। फेज क्या होता है? किसी भी अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज वेव का किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष कितना पोर्शन निकल चुका है, दैट इज नोन एज देयर फेज। सिंपली हम जो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देयर इनिशियल वैल्यू और ओरिजिन, जीरो। इस जीरो के रिस्पेक्ट में इसका भी फेज क्या है? अभी जीरो है। मान लीजिए कि ये वेव पास होकर ये जो जीरो है ये इस प्लेस पे आ चुका होता, यहां पर आ गया, तो इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर साइन वेव का जो फेज होता वो कितना होता? दैट इज, मान लीजिए ये कितना है, ये है 40 डिग्री, तो इसका फेज कितना हो जाता? 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि जीरो के रिस्पेक्ट में इतना पोर्शन क्या हो चुका है? पास हो चुका है। That is why at 0 degree इसका फेज कितना हो गया? 40। अगर ये मूव होकर और आगे निकलता और ये जीरो जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मान लीजिए हम ये ब्लू लाइन से शो करें कि अब जो हमारा जीरो थे वो किस पर आ गया? पाई बाय टू पर। मतलब अब ये जीरो जो है, मतलब ये वेव पास होते होते कहाँ आ गई? इस पॉइंट पर। दैट मीन्स कि अब जीरो पर क्या है वैल्यू? 90 डिग्री। मतलब अब इस पर्टिकुलर वेव का फेज कितना हो गया? 90 डिग्री। नाउ अब हम बात करेंगे फेज डिफरेंस की। फेज आप सभी को क्लियर है, डिफरेंस तो आप बहुत टाइम से, स्कूल टाइम से, मतलब जब आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में थे तब से आप डिफरेंस निकाल रहे हैं। दैट मीन्स इस टर्म को लें तो टर्म से क्या वैल्यू फाइंड करते हैं कि फेज डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं और दो अलग अलग क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। अब ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ स्पेशली टर्म में लिखा है फेज डिफरेंस, मतलब दो अलग अलग वेव का, दो अलग अलग वेव का फेज क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, और मे बी इट मे बी सेम। सो इन दोनों वेव का फेज डिफरेंस फाइंड करना, दोनों में फेज में कितना अंतर है ये किसके थ्रू फाइंड करते हैं? फेज डिफरेंस के थ्रू। तो यहां हमें क्लियर हुआ कि एटलीस्ट हमें अगर किसी भी वेव का फेज डिफरेंस फाइंड करना है तो हमें मिनिमम टू वेव की तो रिक्वायरमेंट होगी, और वी कैन से दैट वी हैव रिक्वायर्ड मोर देन वन वेव। सो इसके बेसिस पे ही हम क्या करते हैं? फेज डिफरेंस निकालते हैं। दैट मीन्स कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक वोल्टेज और करंट वेव में फेज में कितना अंतर है उसे ही हम फेज डिफरेंस कहते हैं। और अधिक और बेटर समझने के लिए हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो साइन वेव हैं, आई होप क्लियर होगा, दैट इज आर ओरिजिन। नाउ एक वेव जो है वो स्टार्ट हो रही है जीरो से, इसके एंगल क्या होंगे? अगर ये जीरो है, ये साइन है, तो ये क्या होगा? एक 90 डिग्री, इट्स वैल्यू इज मैक्सिमम, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाय टू। एट 180 इट विल बी जीरो, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? पाई। एट 270 दैट इज 3 पाई बाय 2, दैट इज 3 पाई बाय 2, इट विल बी
माइनस वन एंड एट एट 360 और 360 इट विल बी अगेन जीरो. ये क्या है, हमारी एक वेव है. मान लीजिए इस वेव का नाम हमने दिया ए. हमारी एक और वेव जो क्या स्टार्ट हो रही है 60 डिग्री. ये कितना हो गया है, ये है हमारा 90 डिग्री. सेकेंड वेव जो है वो हमारी स्टार्ट हो रही है 60 डिग्री से. तो यहाँ से हमारी एक वेव स्टार्ट हुई, वो भी क्या है साइन वेव है और सेम एम्पलीट्यूड की है. सो ये स्टार्ट होगी कितने से, 60 डिग्री. ये क्या हो गया हमारा 60 डिग्री. देन ये वेव जो है इसका नाम हमने दिया क्या, वेव बी. सो ये जो वेव ए है इस वेव का के रिस्पेक्ट में वेव बी जो है वो क्या है 60 डिग्री फेज डिफरेंस पर है. मतलब जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेंगी, जैसे जैसे ये वेव आगे बढ़ेंगी तो 0 टू 60 पर, 0 से 60 तक बी का की वैल्यू क्या है, जीरो है. बी की वैल्यू क्या है, जीरो है. पर जब ये 0 डिग्री कहां पर आ जाएगा, 60 पर आ जाएगा, एट दैट इज दैट सिचुएशन बी की वैल्यू क्या है, अभी भी जीरो. पर इस सिचुएशन में इस पर्टिकुलर जीरो टाइम पर ए की वैल्यू क्या होगी, समथिंग होगी, कुछ होगी. दैट मींस कि ए का फेज डिफरेंस कितना हो गया बी से, 60 डिग्री. अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, मतलब ये वेव पास होगी, ये वेव जैसे जैसे पास होती जाएगी, इन दोनों में क्या अंतर होगा, इन दोनों वेव ए और वेव बी के बीच में 60 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा, दोनों में 60 डिग्री का अंतर होगा. हमने यहाँ पर सिंपली दो वेव की बात की, यहाँ पर मल्टीपल वेव हो सकती है. मल्टीपल वेव इन द सेंस कि अगर ये वेव, ये पर्टिकुलर एक और कोई सी वेव हो जो क्या करती हो, मान लीजिए पास एक और वेव है जो क्या कर रही है 90 डिग्री पर वर्क कर रही है. सो यहाँ से एक वेव स्टार्ट होगी, सेम एज मूव होगी. नाउ इट विल बी दिस, इट इज आर्क वेव सी. सो वेव ए जो है वो स्टार्ट कहां से हो रही है, जीरो से. वेव सी से उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज पाई बाय टू और 90 डिग्री. नाउ ए और बी के बीच फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज 60 डिग्री. ए और सी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री. यानी वेव ए और बी इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज 60 डिग्री. ए और सी के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, दैट इज 90 डिग्री. यहां दिख रहा है 0 से 90. मतलब जब ये वेव आगे बढ़कर कहां जाएगी, 90 डिग्री, यानी ये पर्टिकुलर पोर्शन यहां आएगा, तब सी की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट होगी. तब सी क्या होगा, स्टार्ट होगा. एट दैट सिचुएशन ए कितना हो चुका है, ए का फेज एंगल कितना हो गया होगा, 90 डिग्री. नाउ सेम एज अगर बी के रिस्पेक्ट में देखें तो बी क्या है, बी से सी क्या डिफरेंस कितना हो जाएगा, बी और सी के बीच में कितना डिफरेंस होगा, जब आपका ये जीरो पॉइंट यहां होगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री. सो इट विल बी 30. मान लीजिए इट विल बी 30. क्लियर है. तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा फेज डिफरेंस क्या होता है. मल्टीपल वेव में हम किसी भी रेफरेंस और स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेव का फेज एंगल चेक करते हैं कि कौन सी वेव उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने एंगल पर है. दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस बिटवीन देम. डिफरेंस को और बेटरली समझने के लिए हम तीन अलग अलग वेव को एनालिसिस करते हैं. देन इन हम बात करेंगे इनके मैथमेटिकल इक्वेशन की. यहाँ पर एक वेव क्या है, वोल्टेज वेव है, सेकंड इज करंट वेव. दोनों वोल्टेज की भी हो सकती हैं और दोनों ही वेव करंट की भी हो सकती है, एज वेल एज डिफरेंट भी हो सकती है, एक में भी ना. हम बात करते हैं स्टार्टिंग से. तो स्टार्टिंग वेव में हम देखें तो 0 से 90, मतलब जब पहली वेव वोल्टेज वेव क्या है, जीरो पर है, तो करंट क्या है, जीरो है. करंट की वैल्यू जीरो है. करंट कब स्टार्ट होगा, जब पहली वेव 90 पास हो चुकी होगी.
मतलब जैसे ही ये 90 से अबव मूव होगी तब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो इन दोनों के बीच में, इस वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितने का हो गया, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट इज इस पर्टिकुलर वेव में, मान लीजिए ये हमारी है वेव ए, दैट इज वेव बी एंड इट इज वेव सी। बी ओशन या बी ग्राफ में क्या होगा, जब हमारी वोल्टेज वेव क्या थी, पॉजिटिव है, तब हमारी करंट वेव क्या है, नेगेटिव। और जब हमारी करंट वेव पॉजिटिव है, वोल्टेज वेव क्या हो जा रही है, नेगेटिव। मतलब यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितने का हो रहा है, जस्ट 180 डिग्री। मतलब स्टार्टिंग के हमने जीरो से, ठीक है। अब यहाँ पर पहली वेव जो है इसका ये वाला पोर्शन ये नेगेटिव है, पर स्टार्टिंग तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव से, जब हम पहले की पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं तो सेकेंड की भी पॉजिटिव वेव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ साइन वेव स्टार्ट हुई 90 डिग्री, देन 180 डिग्री। 180 डिग्री पर सेकेंड वेव की स्टार्टिंग हो रही है, दैट मीन्स कि इन दोनों वेव वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो रहा है, दैट इज 180 डिग्री। दैट थर्ड वेव में क्या है, दोनों ही वेव की स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, सेम है। जैसे जैसे फर्स्ट वेव वोल्टेज वेव स्टार्ट होती है, करंट वेव, येलो करंट वेव जो है वो क्या हो रही है, वो भी स्टार्ट हो रही है। और जैसे जैसे ये अपने पीक पे पहुंचती है, दोनों वेव एक साथ पीक पे पहुंचेगी, देन दोनों एक साथ जीरो हो रही है, और फिर दोनों एक साथ नेगेटिव पीक पर पहुंचती है, और देन फिर से जीरो। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच में जो फेज एंगल, जो डिफरेंस है, दैट इज जीरो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि इसमें फेज डिफरेंस कितना है, ए में दैट इज 90 डिग्री, बी में 180 डिग्री और सी में इज जीरो। अब हमें पता है साइन वेव कोई भी माया वेव है, मान लीजिए ये आई है, आई की इक्वेशन ये क्या है, साइन वेव के फॉर्म में, तो इट इज आई एम साइन ओमेगा टी, यही होती है। सो यहाँ पर वेव ए और बी, इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कैसे शो होगा, फर्स्ट वेव जो वोल्टेज है उसका करंट से कितना डिग्री के फेज शिफ्ट पर है, 90। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन, वी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा। अब ये ओमेगा जो है वो क्या है, 2πf एंगुलर के, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ना। सो ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितने एंगल से क्या हो रही है, फेज शिफ्ट हो रही है, इट इज 90। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। सो इट विल बी माइनस पाई बाय 2 टी। सो वोल्टेज की वेव क्या हो गई, वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन क्या हो गई, आई एम साइन ओमेगा माइनस पाई बाय 2। मतलब ये जीरो से कितने पर है, 90 डिग्री पर स्टार्ट हो रही है, दैट इज वाई 90 डिग्री। आई होप क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर कितना डिग्री का फेज डिफरेंस है, दैट इज पाई। तो यहाँ करंट वेव, वोल्टेज वेव तो सेम होगी, वी एम साइन ओमेगा टी, करंट वेव क्या हो जाएगी, यहाँ पर करंट वेव हो जाएगी I is equal to what? I am sine what? Omega. Omega t कितने से, यानी कितने से difference है इसमें, 180 degree से। तो यहां minus क्या हो जाएगा, 180 degree को हम क्या represent करते हैं, pi. तो it will be pi t. Third one, यहां पर phase difference क्या है, zero. तो simply हम इसे क्या लिख सकते हैं, I is equal to I am साइन ओमेगा टी। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हम इसे मैथमेटिकल वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा 180, 270 और 360, यानी मैक्सिमम फेज डिफरेंस कहां से कहां तक हो सकता है, 0 to 360। आफ्टर दैट इट इज अगेन इंक्रीज होगा, तो भी वो क्या होगा, इसी ऑर्डर में 0 to 360 में ही कंसिडर होगा, क्योंकि तब इस वेव की नेक्स्ट साइकिल आ चुकी होगी।
नाउ अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारी कोई एक वेव है दैट इज अगेन अ करंट वेव, और इस करंट वेव की वैल्यू इस सी में देखते हैं, इस करंट वेव की वैल्यू क्या है, यहां से स्टार्ट हो रही है, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में एक स्टार्टिंग पॉइंट जीरो, ये हमारी क्या है, ये एक करंट वेव है, ये ब्लू लाइन दैट इज अ करंट वेव दैट इज आई वन, ये आई वन जो है दैट इज अ करंट वेव, इस करंट वेव के स्टार्टिंग यानी जब जीरो है तब इसकी वैल्यू क्या है 90, मैक्सिमम है, साइन वेव है, और जीरो पर इस साइन वेव की वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम, साइनोसोइडल वेव है, और इस साइनोसोइडल वेव के जीरो पर क्या है वैल्यू, मैक्सिमम, दैट मींस कि हम इस वेव की इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस वेव की इक्वेशन को लिखने के लिए आई वन इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा, ओमेगा ये क्या है, हम किसके रेफरेंस में बात करें, इस जीरो के रेफरेंस में, और रेफरेंस में तो इस जीरो के रेफरेंस पर ये वेव क्या है पास हो चुकी है, सो दैट इट विल बी प्लस पाई बाय टू टी, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि जब किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में या किसी एक वेव के रिस्पेक्ट में अगर वेव उससे उस रेफरेंस वोल्टेज से क्या है अवे है, बाहर पहले पास नहीं हुई है, उसके आने वाली है, तो वो क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी नेगेटिव, और अगर वो पास हो चुकी है उस रेफरेंस पॉइंट से पहले ही तो वो क्या हो गई है पॉजिटिव। तो यहाँ पर आई होप आप सभी को समझ आया होगा फेज, कोई भी वेव का फेज डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी इक्वेशन क्या है। इस पर्टिकुलर फेज डिफरेंस को हम एंगल वाइज या वेक्टर वाइज भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि हम इन मैथमेटिकल इक्वेशंस को या इस ग्राफिकल वे को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी वेव के आगे से या पास होने से या आने पर, इन दोनों के बेसिस पर ही दो न्यू टर्म्स डिफाइन होती है, दैट इज लैग एंड लीड, लीडिंग और लैगिंग, इन दोनों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू।